मित्रों, जहाँ के मैं आपको अब ये दर्शन करा रहा हूँ, ये राम की पैड़ी कहलाती है। और पुराने युग में यहाँ पर पानी सीधे सरयू नदी से आता था, किंतु अभी इस पानी को यहाँ लाने के लिए विभिन्न प्रकार से परिश्रम करके बड़े बड़े पंपिंग स्टेशन लगाए हुए हैं, जिससे सरयू नदी का पानी यहाँ आता है और भक्तजन यहाँ पर सरयू नदी का वही स्नान कर पाते हैं जो श्री रामचंद्र जी किसी समय में करते थे। बहुत सुगम और मनोरम दृश्य है भैया, जो आया जो जानता है वही जानता है। आइए, आप भी एक बार यहाँ जरूर आइए, स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए, पुराने पौराणिक मंदिरों के दर्शन कीजिए। इन मंदिरों की प्राचीनता यह है कि अभी तक इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो जैसे के जैसे थे वो वैसे ही हैं अभी भी, परंतु समय के साथ साथ उनके ऊपर विलुप्तता आ गई है। बहुत सुंदर दृश्य है, आप यहाँ आएंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, मेरे सब भाई बंधु बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते हैं। श्रद्धा उन्हीं के मन में होती है जो दूर दूर से अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पूरे साल थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के आते हैं और यहाँ पे एक दिन, आधा घंटा, दो दिन का आनंद लेते हैं। बाकी चोर उचक्के आपको हर जगह मिलेंगे, आपको सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपको राय दूंगा, मैं पिछली बार आया था तो इसमें पानी नहीं था, लेकिन अभी फुल इंजॉय। गंगा नदी में नहाते हुए एक बार को थोड़ा सा भ्रम होता है, डर लगता है कि कहीं बच्चे बह न जाए, लेकिन यहाँ पे इतना पानी नहीं है कि कोई बह जाए, किंतु फिर भी सबसे अच्छा जो है यही का हिसाब किताब है। सब पूरे परिवार के साथ, अपने खाने पीने के साथ, सब अपने सम्मान के साथ, इन्हें सब आते हैं। आप भी आइए, आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।